साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट सुख चौधरी। आज हम बात करेंगे भाई क्वारंटाइन से रिलेटेड, ना ही कोई फ्लाइट की बात करेंगे, ना ही कोई टिकट वीज़ा किसी की बात नहीं, सिर्फ क्वारंटाइन। क्योंकि इंडिया अभी लोग दबा आ रहे हैं, अभी कल तक 13,000-15,000 लोग पहुंच जाएंगे, अगले हफ्ते में 25,000-40,000 बंदे और पहुंच जाएंगे। तो बंदे आ रहे हैं तो क्वारंटाइन का मैटर बड़ा इश्यू बनता जा रहा है। तो कुछ एक वीडियो आज वायरल हो रहा है, शायद आपने देखा भी होगा, दुबई से कोई फ्लाइट आई थी दिल्ली के लिए, और मैंने सुबह कल एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था भाई सिंगापुर से कुछ बंदों को क्वारंटाइन किया गया था ग्रेटर नोएडा में, ठीक है, वहां पे उनको 4-5 स्टार होटल में रोका गया था, 2,000 खर्चा विथ टैक्स में, रहना खाना पूरा। अब आज जो फ्लाइट आई है इनको लगभग काफी सारे बंदे हैं, हरियाणा का वीडियो है ये, इसमें लगभग 19 के करीब बंदे हैं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है कि हमें पहले बोला गया था कि आप होटल में रुक जाओ, होटल का खर्चा साथी उनको बताया 4,000-4,500 के करीब। सेकंड ऑप्शन दिया गया कि आप कोई लॉज वगैरह जैसे रूम वगैरह मिलते हैं ओयो के इस तरह के, उनमें आप अगर रुकते हो तो 2,000-2,500-2,500 खर्चा आएगा। तीसरा, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो भाई जहाँ गवर्नमेंट रोकती है वहाँ आपको रुकना पड़ेगा। अब वो कई कंडीशन में फ्री भी हो जाता है, कई में पैसे हो जाते हैं। आप देखिए, मैं वीडियो भी आगे दिखाऊंगा, वीडियो भी देखना, वीडियो में क्या है आपको समझ में आ जाएगा। आपको बहुत जल्दी है विदेशों से आने की, तो आपको भी थोड़ा माइंड ठिठकेगा, इससे तो आप लगेगा कि हम दुबई कतर वहीं बैठे हैं, यहाँ से तो वहीं ठीक है। तो इसमें हुआ क्या है कि अब देखिए, मैंने सुबह एक वीडियो डाला था कल 11 मई को, उसमें 2,000 में आपको 4-5 स्टार होटल में सुविधा मिल रही थी, ये बंदों को मिल रही है 2,000-2,500 के बीच में। ये आंकड़ा दिक्कत कहाँ आ रहा है, ये आंकड़ा साथियों के वहां आ रहा है कंडीशन के आधार पे। कई जगह सस्ता रूम मिल जाता है। अब बात करें कि भाई दुबई जो दिल्ली में जो महंगाई है वो क्या लखनऊ में या हमारे राजस्थान में है, समझ रहे हो बात को, या चंडीगढ़ में है, वो नहीं मिलेगी। वो जगह के हिसाब से किराया डिसाइड होता है। अब लोग तो अफवाह फैला रहे हैं गवर्नमेंट पैसे खा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैं भाई आपसे झूठे शाबाशी लेने के चक्कर में मैं झूठ तो नहीं बोल सकता, लेकिन सच्चाई है कि किराया डिस्टेंस के आधार पर डिपेंड करता है, दूरी के आधार पर, समझ गए आपको। कई जगह ऐसी होती है, मेन सिटी में उनका किराया ज़्यादा होता है, कई जगह जैसे बाहर की साइड में डाल दिया तो वहाँ का किराया कम होता है। तो चलिए वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम बातें करते हैं। हमको रूम प्रोवाइड नहीं करवाना कि 19 बंदे एक साथ रह लेंगे, पर एक रूम में एक दो बंदे नहीं रह सकते। अब हमको आप यूँ बताओ, जैसे अब हम यहाँ पे 2,500 या फिर 4,000 हम पे करके रहते हैं, तो हमारा 14 दिन का खर्चा आप यूँ लगा लो, लगभग अप्रोक्सीमेट लगा के हमारा 60-70,000 आ गया। तो हम यहाँ पे इसलिए आए हैं सेफ्टी के लिए अपनी, ठीक है, कि हम हमारे घर वालों को भी हमारी टेंशन थी कि भाई तुम दूर रह रहे हो हमसे, एटलीस्ट हमारे पास आके रहो। हम आए तो यहाँ पे इसलिए, और हमारे पास यहाँ पे आके ये पूछ रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कल हम लोगों को बोला गया था कि आपका मेडिकल टेस्ट कराएंगे, तो कल आते ही इन्होंने बात की तो डॉक्टर से, डॉक्टर बोले कि मॉर्निंग में आ जाएंगे। अभी तक टाइम हो चुका है 12 कुछ, तो अभी तक कोई डॉक्टर नहीं आया। लगभग कल से हमारा एक बार भी टेम्परेचर चेक नहीं हुआ है। आप सपोज कर सकते हो कितनी स्लोनेस है गवर्नमेंट की। फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है, देख सकते हो आप कैसे फैसिलिटी है, जो हम बार बार अभी कोई पानी नहीं, ये देख लो, ठीक है, ये जो मैं प्रोवाइड की गई है यहाँ पे देख सकते हैं आप। मैंने कॉल किया उससे लेके जो इनका ऐप था, कौन सा ऐप है वो, आरोग्य सेवा, उन्होंने हेल्पलाइन पे मैंने फोन किया तो यहाँ पर एक हेल्पलाइन नंबर मिला मुझे, उस पर बात करने के बाद में अभी तक उसका ना तो कॉल बैक आई है ना कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई है। दूसरा, इतने मच्छर हैं जिसकी कोई हद नहीं है, बीमार अगर ना भी होंगे तो यहाँ डेंगू मलेरिया कुछ भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग हमको घर पे भेज दो, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं जैसे इन्होंने सुविधा प्रोवाइड करवा रखी है अभी तक, अगर भगवान ना करे कि अगर हम में से कोई किसी को भी एक भी केस हो गलती से, तो वो एक अगर 14 दिन हमको यहाँ पे रखा तो वो सभी के सभी में पक्का पक्का फैल जाएगा। तो अगर यहीं रख के हमको पॉजिटिव ही करवाने हैं 14 के 14, तो फायदा क्या हुआ इस फैसिलिटी का। ना ग्लव्स है, कुछ भी नहीं है, और ये हमको चाय सर्व कर रहे हैं, क्या सेफ्टी रहेगी इसमें हमारी, देख सकते हो आप। 10 दिन हो गए मगर हमारे यहाँ पे ना तो कोई चेकअप वगैरह होते हैं, ना कुछ अच्छा खाना मिलते हैं, ना और कुछ मिलते हैं। खाने के लिए भी आते तो सिर्फ खिचड़ी आते हैं, और वैसे भी हम आटा वगैरह लाते हैं खाना बनाने के लिए, तो उस पर भी बोलते हैं भाई जो आता है गवर्नमेंट की तरफ से वही खाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना भी मना है, यहाँ बना भी नहीं सकता है खाना पीना तो। और आप देख सकते हो यहाँ पे ये खाना भी खुद तैयार कर रहे हैं, ये देख सकते हो आटा ये लाते। तो साथियों देखिए, बात मैन शो की एक है भाई, आप दुबई से आए हैं, दुबई इतना अच्छी, वहाँ की जनसंख्या है,
पॉपुलेशन बहुत कम है, सुविधाएं बहुत ज़्यादा हैं, और हमारे से हमारे इंडिया से 21 गुना ज़्यादा वो तरक्की पर हैं, 21 गुना ज़्यादा एडवांस में चल रहे हैं, और दुबई तक हमें पहुंचने में 50 साल लग जाएंगे। वो बात भी थोड़ा माइंड में बिठा लो। इंडिया की 135 करोड़ की पॉपुलेशन है, विदेश से आ रहे हैं, उनका भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी है, यहाँ के लोगों का भी ध्यान रखना सरकार की जिम्मेदारी। तो भाई जैसी सुविधा मिलती है एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई इलाज नहीं है। कितने वीडियो डालो, आप किसकी गलती माने भाई? अब सरकार आपको कहाँ से बंगले दे दें, वीडियो में बोल रहे हैं साफ़ सफाई नहीं हो रही, ये नहीं, तो आप कर लो ना भाई साफ़ सफाई। आप कोई मेहमान तो आए नहीं हो अगर तरीके से देखा जाए तो। बाकी बोलने को तो भाई कुछ भी बोल दो, यहाँ ये सुविधा नहीं है, वहाँ वो सुविधा नहीं है। तो थोड़ा सा भाई देखिए, अपने घर में अपन 10 मेंबर हैं, एक एक घर में 3 मेंबर हैं, घर में 10 मेंबर है, तो कितना डिफरेंस आएगा? वो 7 गुना डिफरेंस है, वो लाइफ टाइम चलेगा। यही सेम कंडीशन इंडिया में, इंडिया की पॉपुलेशन 50 कंट्रियों को एक मिलाओगे ना तो होगी। आप ये बात क्यों नहीं मानते यार? 50 कंट्रियों को एक तरफ कर दोगे तब इंडिया बनेगा। आप बताइए जी कितना वो सुविधाएं तो पूरी उस हिसाब से मिलेगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्वारंटाइन गवर्नमेंट ने, दूसरी बात ये मेन महत्वपूर्ण बात मैं बता दूं आपको भाई, इंपॉर्टेंट बात ये है, जब आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था फॉर्म में, तो एम्बेसी की नीचे 4 शर्तें थी, उसमें आपने हाँ करके यस करके फॉर्म सबमिट किया था, उसमें साफ साफ लिखा जाएगा जो सरकार, जो गवर्नमेंट या जो आपको अधिकारी, जो भी आपको जैसा बोलेंगे वैसा मानना पड़ेगा। और यहाँ तक तो ठीक है कि आप मुँह से कोई बात कर लो, अगर कुछ गलत कर लिया गलती से तो सीधी FIR होगी, कितनी धाराओं में होगी वो सोचना मत, फिर जमानत नहीं होगी 6 महीने पहले, क्योंकि ये आपने पहले से कबूल किया हुआ है कि जो गवर्नमेंट बोलेगी हम करेंगे। तो साथियों ये वीडियो आपकी जिम्मेदारी बनती है उन तक पहुंचाने की, जो आपके दोस्त हैं साथी हैं जो आना चाहते हैं इंडिया और किसी के बहकावों में आके, जरूरी नहीं होता सब सही है, 100 बंदे सही है, एक बंदे ने अगर माइंड में खुराफाती करके तोड़ फोड़ करना, गाली देना, वीडियो बना के सोशल मीडिया पर डालना, सब पे मुकदमे होंगे, ये तय बात है, क्योंकि आप किसी के मेहमान बन के नहीं आए हो। क्वारंटाइन गवर्नमेंट कर रही है, जैसी व्यवस्था है जैसी झेलना पड़ेगा, फिर भी आप नाटकबाजी करोगे क्वारंटाइन में, तो भाई सीधा सीधा FIR होगी, मुकदमा लगेगा, 6 महीने पहले जमानत नहीं होने वाली है, कोर्टों में फिर धक्के खाते फिरना फिर। तो थोड़ा सा इस बात का भी आप गौर कर लें। दूसरी बात, क्वारंटाइन में साथियों थोड़ा सा डिस्टेंस रखें, समझ रहे हो बात को, कोशिश करें कि ना आए, मैं तो ये बोलूँ आओ ही मत आप, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, बीमार है कोई फलाना ढिमका, जो 200% ज़रूरत है, मैं तो हर वीडियो में बोलता हूँ। अब जो हरियाणा के जो बंदे दिख रहे हैं ना, एक भी बंदा मुझे नहीं लगता वीडियो में जो आना ज़रूरी था उसके लिए, लेकिन नहीं जी आना है। आप बोलते हैं 70,000 रुपये महीना, 60,000 रुपये, 10 दिन का, 14 दिन का हमारा 60,000 रुपये खर्चा लगेगा। अब क्या भाई झूठी लाइक्स और आपसे मैं बढ़िया बढ़िया कमेंट करने के लिए आपके पक्ष में बातें नहीं कर सकता, कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, सच्चाई कड़वी यही है। तो थोड़ा सा इन बातों से बच लें, ध्यान रखें, औरों को भी अपने साथियों को आगाह कर दें, ऐसी कोई हरकत ना करें, और जो आना चाहता है नॉर्मली में वो ना आए, बस इतना ही वीडियो में बताऊंगा। ठीक है साथियों, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं अच्छी जानकारी के साथ। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।